देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये जो आप लोग हमारे हाथ में दवा देख रहे हैं ये एक ऐसी दवा है जो आपके बैगन में लगने वाले सभी प्रकार के कीड़ों का सफाया कर देती है। जब आप लोग बैगन की खेती करते हैं तो आप लोग तना छेदक फल छेदक से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपका बैगन उत्पादन देता है तब भी वह बाजार तक नहीं पहुँच पाता है, तो यह जो दवा है इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। सामान्यतः जो किसान इसको प्रयोग कर चुके हैं वह अपने अगल बगल के जो किसान होते हैं इनको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये जो दवा है अगर आप लोग इसका स्प्रे करते हैं तो आपके बैगन में चाहे तना छेदक हो या फल छेदक हो वह खत्म हो जाते हैं और आपका जो उत्पाद होता है बाजार तक आसानी से और वो भी गुणवत्तापूर्ण परिस्थिति में पहुंचता है। इसके साथ ही साथ यह जो दवा आती है यह ग्रीन लेवल की दवा है, जिससे जो मानव के ऊपर प्रभाव होता है यह कम से कम पड़ता है। तो हम अपने खेतों में बैगन लगा रखे हैं और यहाँ पर जो तना छेदक है यह बहुत ही तेजी से लग गया है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बैगन के जो ज़्यादातर पौधे हैं यह सूख गए हैं। जैसे ही जो ब्रांच ऊपर निकल रही होती है यह सूख जाती है। तो अभी हम कल इस दवा का स्प्रे किए हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ से हम इसको तोड़ लिए हैं जो हमारी ब्रांच नई निकल रही होती है। तो ये क्या करते हैं, इधर तो सही है लेकिन यहाँ पर बीच में आकर के जो कीड़े होते हैं यह तने को खा जाते हैं अंदर ही अंदर, और किसान को पता ही नहीं चलता है कि आखिर हमारे बैगन में हुआ क्या है। ऐसे में वह कोई भी दवा स्प्रे करते हैं तो जो रिजल्ट होता है यह सही नहीं मिल पाता है। तो हम आपको फाड़ के दिखा रहे हैं इस तरीके से, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह पूरी तरीके से सड़ गया है और जो हम कल दवा स्प्रे किए थे उसकी वजह से जो इसमें कीट है यह पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो यह दवा कौन सी है, इसका आप लोगों को उपयोग कैसे करना है और हमारे बैगन में जो रिजल्ट है यह आप लोग देख ही चुके हैं। अगर फल छेदक भी लग रहे हैं तब की परिस्थिति में भी आप लोग ये दवा प्रयोग कर सकते हैं। यह जो दवा है इसका नाम है स्पाइनटोरम, 11.7% में आता है। इसे आप लोग 10 ml प्रति 15 L पानी में मिला करके जो अपनी बैगन की फसल है उस पर स्प्रे करना होता है। तो जो आपके बैगन में लगे हुए कीड़े होते हैं चाहे वह अंदर हों बाहर हों फल के अंदर हों तने के अंदर हों पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो दवा है अगर आप लोग बैगन की खेती करते हैं तो यह आपके लिए एकदम रामबाण की तरीके से है, तो आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लोग इसका स्प्रे करें अगर बारिश का मौसम है तो बारिश ना होने पाए कम से कम 2 से 3 घंटे, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप लोगों को शाम के समय स्प्रे करना है, और अगर आप लोग ठंडियों में इसे प्रयोग कर रहे हैं तो जब जो पौधे के ऊपर शीत पड़ी होती है वह जब समाप्त हो जाती है लगभग 10 से 11 बजे के आसपास आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। यह जो दवा होती है थोड़ी सी महंगी होती है, तो इस वजह से आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि आप लोग जो रेट होता है वह भूल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को हम सब समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।